हाय गाइस, सजमा किचन में आपका स्वागत है। आज सजमा किचन में मिट्टी के बर्तन में दही जमा कर बता रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। लिए है हमने इसको ओवरनाइट, पानी अच्छे से धोकर पानी भर कर रख दिए ताकि हमारा मिट्टी का बर्तन अच्छे से पक्का हो जाए, नहीं तो इसको यदि अपन चूल्हे पे रख देंगे या कहीं पे रख देंगे तो टूट जाएगा। तो अब इसका पानी फेंक देते हैं, फिर आगे बताते हैं। ये मिट्टी का बर्तन का पानी हमने फेंक दिए हैं। अभी हमने 1 लीटर दूध लिया है, अमूल दूध लिया है, फुल क्रीम वाला दूध है। इसको हमने गर्म कर चुके हैं और इतना ठंडा कर लिए कि हमारी उंगली बर्दाश्त कर पाए, जैसे ऐसे छन से जले ऐसा नहीं है, तो ये इतना है कि हम बर्दाश्त कर लें उंगली। तो अब दूध हम इसमें डाल देंगे। बस इतना डालेंगे और ये जो दही लिया है हमने, इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, 2 चम्मच दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हलवाई लोग तो ऊपर बर्तनों में उछाल उछाल कर लोग जमाते हैं, तो हम तो सिर्फ इसको हिलाएंगे से और इसके अंदर डाल देंगे। और मिट्टी के बर्तन में दही सिर्फ 6 घंटे में ही जम जाता है, और यदि ये पुराना बर्तन हो जाएगा ना तो 1.5 घंटे में ही जम जाया करेगा। तो ये हम 6 घंटे के लिए अब इसको ढक के रखते हैं, फिर 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो ये चलनी से हम ढकेंगे और इसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे ताकि गर्मी आए इसको। तो 6 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। देखिए हमारी दही जमाई को 6 घंटे हो गए और देखिए कितनी परफेक्ट दही बनी है। ये देखिए बिना पानी वाली एकदम गाढ़ी वाली दही बनी है। आप भी हमारी तरह मिट्टी के बर्तन में दही जमा कर देखिए कि दही कितनी अच्छी जमती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।